कोरोना वायरस के बढ़ते असर को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है। सभी विभागों के कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजिरी पर 31 मार्च तक के लिए रोक लगा दी गई है। कोरोना ने पूरे देश को खौफ की चपेट में ले लिया है। सरकार चिंतित है, आम आदमी डर के साए में है। कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए अब केंद्र सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि अब किसी भी सरकारी कार्यालय में बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं लगाई जाएगी। केंद्र की मोदी सरकार कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कारगर उपायों के साथ ही काफी सतर्कता बरत रही है। मोदी सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक सिस्टम पर रोक लगा दी है। ये रोक 31 मार्च तक के लिए लगाई गई है। इसके तहत बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए कर्मचारियों की होने वाली हाजिरी अब नहीं हो सकेगी। इससे पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी बायोमेट्रिक हाजिरी पर रोक लगा दी थी। इतना ही नहीं, दिल्ली में कोरोना के कारण ही स्कूलों को भी बंद करने का आदेश दिया गया। साथ ही हरियाणा सरकार के भी कुछ विभागों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस की जगह मैनुअल अटेंडेंस के आदेश भी जारी कर दिए गए। इससे पहले पीएम मोदी और गृह मंत्री ने होली का त्योहार मनाने से इनकार कर दिया था। यानी लोगों को ये संदेश दिया जा रहा है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें।